बेस्ट कार्टून टीवी। जादुई सोने की बिस्किट मशीन। चंदनपुर गांव में चंदू अपनी बीवी अनु और बेटी राधा के साथ खुशी से रहता था। चंदू अपने घर का गुजारा बिस्किट का काम करके करता था। सब लोग उसको बहुत प्यार देते थे और इसी तरह उनका जीवन व्यतीत हो रहा था। लेकिन उनके इस छोटे से खुशहाल परिवार को मानो किसी की नजर लगने वाली थी। और ऐसे ही एक दिन चंदू अपनी बेटी राधा के साथ बिस्किट का सामान लेने के लिए जाता है। तब राधा अपने पिता से, पिताजी आज मुझे गन्ने का जूस पीना है। अरे बेटा आज नहीं, फिर कभी, आज हमें देर हो रही है, तुम्हारी मम्मी अकेली है ना? पिताजी मुझे नहीं पता, मुझे चाहिए। चंदू अब अपनी बेटी की जिद को देखकर उससे बोलता है, अच्छा तू यहीं पर रुक, मैं आता हूँ लेकर। राधा के लिए गन्ने का जूस लेने जा ही रहा होता है कि वहीं दूसरी तरफ एक कार बहुत तेजी से आती है और चंदू को मार के चली जाती है और अब चंदू की मौत हो जाती है। अन्नू अब अपनी बेटी के साथ अकेली पड़ जाती है। उसके पति की मौत के बाद अब उनकी देखरेख के लिए कोई भी नहीं था और अब उनके घर में घर का राशन भी खत्म हो चुका था। अन्नू खुद से, अब तो घर में राशन भी नहीं है, मैं मेरी बच्ची का पेट कैसे भरूंगी? पर वो उसमें से जाकर मांगती हूँ, क्या पता सीता बहन मेरी बच्ची के लिए कुछ दे दे। इतना सोचकर अब अन्नू अपनी पड़ोसन के पास जाती है और बोलती है, सीता बहन। हाँ अन्नू बहन, बोलो क्या हो गया? सीता बहन मेरी बच्ची बहुत भूखी है, कुछ राशन दे दो जिससे मैं अपनी बच्ची का पेट भर सकूं। अरे अन्नू बहन तेरा पति मर गया तो कोई काम शुरू कर देना, कितने दिन तू दूसरों के टुकड़ों पर पलेगी? और वैसे भी मैं ऐसे लोगों की मदद नहीं कर सकती जो खुद की मदद नहीं कर सकता है। चल अब जा यहाँ से। सीता की ये बातें सुनकर अन्नू को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और वो रोते हुए वहाँ से चली जाती है। परेशानी में उसको कुछ पता नहीं था कि वो कहाँ जा रही है। देखते ही देखते वो एक नदी के किनारे पहुँच जाती है और उस नदी के पास उसको एक बिल्ली जल में फंसी दिखाई देती है। बचाओ बचाओ, मेरी कोई मदद करो। उसको देख अन्नू सोचती है, अरे ये कैसा अजीबोगरीब बिल्ली है, खैर मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। अब अन्नू उस बिल्ली को उस जाल से निकाल देती है और उसको पानी पिलाती है। थोड़ी देर बाद बिल्ली बोलती है, तुमने मेरी मदद करी है, मांगो क्या चाहिए तुम्हें? तुम बोल कैसे सकती हो, तुम हो कौन? बिल्ली के चारों तरफ अब जादू से एक घेरा बन जाता है और बिल्ली एक परी बन जाती है और वो परी अन्नू को बोलती है, मैं एक जादुई परी हूँ, इस रास्ते पर कोई भी आता है तो मैं उसकी परीक्षा लेती हूँ और तुम मेरी परीक्षा में सफल रही, अब बताओ तुम्हें क्या चाहिए? अन्नू उसको रोते हुए सब कुछ बता देती है कि कैसे उसके पति की मौत हुई और अब उसके पास कुछ नहीं बचा। यह सब सुनकर परी उससे बोलती है, अन्नू तुम्हारा पति बिस्किट का काम करता था, तुम जाओ और वही काम शुरू करो। पर मेरे पति की बिस्किट बनाने की मशीन खराब हो चुकी है। अन्नू तुम घर जाओ। उसकी ये बात सुनकर अन्नू वहाँ से चली जाती है और परी के कहने पर अब वो बिस्किट बनाना शुरू करती है। और अब जब वो अपने बिस्किट की मशीन में बशर डालती है और मशीन शुरू करती है, तब उस मशीन में से कोई मामूली बिस्किट नहीं बल्कि सोना निकलता है। वो ये सब देखकर हैरान हो जाती है और खुद से बोलती है, अरे ये क्या, इस मशीन से सोना कैसे निकल सकता है, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। खुद को तसल्ली देने के लिए वो एक बार फिर बिस्किट मशीन में डालती है, लेकिन एक बार फिर वो मशीन बिस्किट की जगह सोना निकालती है। अरे ये क्या हो रहा है, आज से पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ, तो फिर ये कैसे? तभी उस मशीन की चारों तरफ फिर से जादू होता है और उस मशीन में से वो अनोखी पड़ी निकलती है और उससे बोलती है, ये मशीन अब मामूली नहीं रही है अनु, क्योंकि इस मशीन में मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगी और तुम्हें कुछ भी मदद चाहिए तो बस इससे एक बार बोल देना। इतना कहकर परी उस मशीन में फिर से चली जाती है और अब अनु को पता चल जाता है कि ये अब जादुई मशीन है और अब उसको किसी भी चीज की जरूरत होती तो वो उस मशीन में मामूली बिस्किट बनाकर डालती
और उसको जूस की जगह सोना मिल जाता। और अब ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं और उसके बिस्किट की मशीन के चर्चे पूरे गांव में होने लगते हैं। और अब उसकी पड़ोसन सीता के मन में ख्याल आता है, अभी कुछ दिन पहले ये इतनी गरीब थी, लेकिन अब देखो तो इसके पास पैसों की कमी नहीं है। इसके बिस्किट की मशीन को मैं चुरा लूंगी और मैं भी रातों रात अमीर हो जाऊंगी। सीता रात होने का इंतजार करने लगती है और अब जब रात हो जाती है तब वो अन्नु के घर में चुपके से आती है। जब अन्नु सो रही होती है उस वक्त सीता उसकी मशीन चुरा के ले जाती है और उस मशीन में बिस्किट डालती है कि तभी उस मशीन में कुछ हलचल होती है और वो मशीन बहुत ही ज्यादा तेज आवाज करने लगता है और तेज रोशनी आने लगती है। उस तेज रोशनी और आवाज की वजह से पूरा गांव सीता के घर में आ जाता है और तभी अन्नु भी वहां आ जाती है। सीता की चोरी देखकर अन्नु बोलती है, अरे सीता बहन, तुमने ये मशीन क्यों चुराई? हाँ हाँ बहन, बताओ क्यों चुराई? तू इतनी अमीर कैसे हो सकती है? इस मशीन की वजह से हुई है ना, मैं भी होना चाहती हूँ। अरे सीता बहन, अन्नु बहन के साथ हम लोगों ने कितना गलत किया था, पर फिर भी उसने हम लोगों की इतनी मदद करी है। तुम उसको बोल देती वो तुम्हारी भी कर देती। उन सब की बातें चल ही रही होती है कि तभी उस मशीन के चारों तरफ फिर से जादू होता है और उस मशीन में से वो अनोखी परी निकलती है और उन सब से बोलती है, ये मशीन सिर्फ अन्नु के कहने पर ही काम करता है क्योंकि ये नेक और साफ दिल की है। इसके मन में कोई लालच नहीं है और लालची लोगों को ये मशीन कुछ नहीं देती है। इतना कहकर अब परी के चारों तरफ फिर से जादू होता है और चमकते हुए वो मशीन में चली जाती है। और अब उसकी इस हरकत की वजह से सीता के पति और उसकी सास को शर्मिंदा होना पड़ता है और वो लोग उसकी जादुई मशीन अन्नू को लौटा देते हैं। अन्नू अपनी मशीन लेकर घर आ जाती है, लेकिन अन्नू उस जादुई मशीन के अंदर फिर से बिस्किट डालती है और बोलती है, हे जादुई मशीन, शायद सीता को भी पैसे की जरूरत है, मुझे पैसे चाहिए। उसकी बात सुनकर उस मशीन के चारों तरफ फिर से चमकती हुई रोशनी निकलती है और उस मशीन से ढेर सारा सोना और 2000 के नोट निकलने लगते हैं। और अगली सुबह ये सब कुछ अन्नु सीता को दे देती है और सीता उससे माफी मांगती है। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं और अब गांव में किसी को भी जरूरत होती तो वो अन्नु के पास आता और अन्नु उस मशीन से सोना पैसा लेकर उनको दे देती और इसी तरह गांव में गरीबी हटने लगी और सब खुशी से रहने लगे। ऐसे ही मजेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल बेस्ट कार्टून टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।